हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में वोल्वो ट्रक आईशिफ्ट का गियर कैसे सेलेक्ट करते हैं और उसमें कौन सा स्विच होता है बताने वाला हूँ। लास्ट एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल पर नए है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये आईशिफ्ट का गियर लीवर है, इसको गियर सेलेक्टर बोलते है पूरे को। और यहाँ पर देख रहे हो MANR लिखा है। R का मतलब होता है रिवर्स, N का मतलब होता है न्यूट्रल, और A का मतलब होता है ऑटोमेटिक, M का मतलब होता है मैनुअल। तो यहाँ पे डिस्प्ले में भी देख सकते हो, यहाँ पे डबल N लिखा है, मतलब अभी गाड़ी न्यूट्रल में है। तो इसको गियर को कैसे चेंज करते दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये माइनस प्लस का बटन दिया है और यहाँ से ये आप गियर सेलेक्ट कर सकते हो। बढ़ाना है गियर तो प्लस का बटन ऐसा प्रेस कर सकते हो, और माइनस कम करना है गियर तो इसको माइनस पे कम कर सकते हो। यहाँ पर मोड का बटन दिया है, देख सकते हो यहाँ से मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। ज्यादातर इकोनॉमी मोड में ही चलाना है गाड़ी, और डिस्प्ले में भी देख सकते हो, मोड सेलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हो मोड, इसका बटन दबाएंगे तो यहाँ पर मोड चेंज हो रहा है, देख सकते हो। तो अपने को इकोनॉमी मोड में ही चलाना है, ये सिंबल है उसका इकोनॉमी मोड का। तो गाड़ी अपने को इसमें ही चलाना है इकोनॉमी मोड में। और यहाँ गियर के नीचे में देख सकते हो एक बटन दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है ये एक स्विच दिया है, इसको स्विच को ऐसा प्रेस करना है, प्रेस करके गियर सेलेक्ट करना है। ये नीचे की साइड की बटन ऐसा प्रेस करना है और यहाँ पर देख सकते हो प्रेस करके ये गियर को शिफ्ट करना है, देख सकते हो अभी न्यूट्रल में है, अभी ए में चला गया, ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा है वो अपना ए में चला, मतलब अभी ए गियर लग गया ऑटोमेटिक में। तो डिस्प्ले में भी देख सकती हो, यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है, मतलब ऑटोमेटिक में गियर लग गया है। इसमें अभी मैनुअल में भी डाल के दिखा देता हूँ, ये एम पे सेलेक्ट कर दिया है और डिस्प्ले में भी दिखा देता हूँ। देख लीजिए एम आ गया, मतलब मैनुअल में हो गया और अभी पांच नंबर गियर सेलेक्ट हुआ है। इसको माइनस करके दिखाता हूँ, तो माइनस का बटन दबाएंगे तो वहां पे गियर माइनस हो जाएगा। चलो दिखा देता हूँ, देख सकते हो गियर माइनस हो रहा है। और प्लस करना है तो ये प्लस का बटन दबाना है, देख सकते हो गियर बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप गियर सेलेक्ट कर सकते हो, स्विच दबा के न्यूट्रल पोजीशन में छोड़ना है। देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।